नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे कि द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन और डिकंडेशन की डायग्राम कैसे होती है। कोई भी रेजर ले लो, एक बिग स्केल ले लो, 30 तक पॉइंट जाता हो जिसका, है ना, कम ले लो, कॉपी पे बनानी है तो उसका डी ले लो, चाहे स्केल की जगह, है ना। और हमें चाहिए 3 स्केचेस और क्रेयॉन कलर्स। लेट्स स्टार्ट। पहले हमने डी लेनी है या फिर स्केल, उससे हमने यहाँ पे लाइन मार लेनी है, यहाँ पे लाइन मार लेनी है और उसके बीच में लाइन मार लेनी कॉपी। और फिर पेंसिल से हमें क्या करना, पेंसिल चाहिए, ऐसे पेंसिल से ऊपर 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 करके ऐसे कर देना, और नीचे भी ऐसे ही। अब बन गई है। अब जो नेक्स्ट ऐसी बनानी है, कॉर पाउच बनाना है, वो भी ऐसी बन, ठीक है। हमने दूसरी डायग्राम ड्रॉ की है, वो ऐसे थी, उसके बीच हमने पानी सब भर देना है यहाँ पे। जो हमारा स्ट्रॉ है, हम इसको जो मिट्टी है ना, जो थोड़ी सी कम साइज में करेंगे, क्योंकि वो मिट्टी सेटल डाउन हो गई है ना, ठीक है। ये दोनों हो गई है, हम नेक्स्ट बना रहे हैं। आपको ब्लैक स्केच, आपको स्केच लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्कर मार्कर नहीं है तो आप ऐसा जेल पेन ले सकते हैं, आउटलाइनिंग कर लें। जब हमने इसके ऊपर लाइटनिंग कर ली, क्योंकि ये जेल है, हम रेजर पहले से अगर रेजर जल्दी चपी कर देंगे तो ये ना ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर दाग पड़ जाएगा। 2 मिनट हम इसको, 1 मिनट ला लो चाहे 2 मिनट लगा लो, उसको सूखने को ला देते हैं। चुके हैं, अब हम इसको रेस कर देते हैं हल्का हल्का। फिर ये देखिए, हमने सिर्फ इस डायग्राम को रेस किया है और अब हमने इसको नहीं किया है, सो देखिए कि फ़र्क क्या है, ये ज़्यादा सुंदर लग गया है या कम सुंदर लग गया है। हम इसको भी रेस करते हैं तो अच्छी लगी, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, ये तो कितनी बुरी लग रही है। इस पर पेंसिल दिख रही है कि पेंसिल से क्या, इसमें जमा भी नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसको भी रेस, ठीक है, अब हमने इसको भी रेस कर दिया। अब हमें चाहिए क्रेयॉन कलर, क्रेयॉन की चाहे मतलब क्रेयॉन हो चाहे पेंसिल हो, हमें बस कलर चाहिए जो इसमें फिल करने हैं। स्केच नहीं यूज़ होंगे ना, पिंक यूज़ होंगे, सिर्फ कलर्स यूज होंगे, मोमी कलर और रंगीला कलर हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाले कलर्स, ठीक है। ये क्रेयॉन कलर्स हैं ना, ये हैं मैप्ड, मैप्ड के हैं, ठीक है। आप जो मर्जी किसी मर्जी के ले सकते हैं, कैमल कलर ले सकते हैं, बस क्रेयॉन होने चाहिए, पेंसिल कलर। हम इसको फिल करेंगे। अब हमको चाहिए सिर्फ 4 कलर, एक चाहिए हमको ब्लैक कलर, ठीक है, एक हमको चाहिए ब्राउन कलर की, एक हमको चाहिए दिस लाइट ब्लू कलर, एक हमको चाहिए डार्क ब्लू कलर, ठीक है। सो अब हम सबसे पहले यूज़ करेंगे लाइट ब्लू कलर, वो हमें फिल करना है सिर्फ और सिर्फ इस पानी में यहाँ तक, वो भी फिक्का फिक्का, मतलब कम फेरना है, इतना गरोड़ कर नहीं फेरना, तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। भी हो गया है, ठीक है, ठीक है। और हमको ये जे चीज़ है, ये मिट्टी है, मिट्टी। अब हम इसको 2 कलर्स मिक्स करेंगे, एक तो हमने चाहिए डार्क ब्लू, पहले हम इसको डार्क यहाँ पे पानी भी तो है ना, डार्क करो इसको, ठीक है। फिर हम इसको ना बीच ब्राउन फेर देंगे ज़रा मार से कम, ठीक है। अब लग रहा है ना कि पानी भी है और ब्राउन कलर भी है। अब हमें चाहिए ब्लैक कलर, अब हमें ब्लैक कलर यूज़ करना है। यहाँ पे ये जो स्ट्रॉ है ना, इस पर हमें ब्लैक कलर यूज़ करना है। अब ब्लैक कलर भी हो गया। अब जो ये हमने ग्लास बनाया है ना, ये ग्लास, इसमें हमें ये डार्क ब्लू कलर हो गया। अब हमें हैंड्स में स्किन कलर ब्लू करना है, स्किन कीजिए, यहाँ पे स्किन कलर भी हो गया है ना। अब हमें इसको भी फिल कर, अब हमने इसमें भी कर लिया। अब हमको ये पीस जो है, हमने ब्लैक पेस्ट पे बनाया है ना, पर हमें यहाँ पे 2 ऐसे पीस चाहिए, सामने सामने वाले ऐसे, यहाँ पे फ्रंट और यहाँ पे लिखा चल के लिखें, उसके मुड़े अगर पीस बचता है तो हम वहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिख लेंगे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3।
अब हम जो ये पेज है इसको हम पेस्ट करेंगे। इसके लिए हम चाहिए ग्लू, ये ग्लू ठीक है, फेविकोल चाहिए, ग्लू ग्लर नहीं चाहिए, उससे फिर ये वो हो जाता है ठीक है। हमको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लगा लें, फिर इसको एक साइड से कम लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है, बीच में नहीं लगानी है, तो बल्जी पै जाती है ना, तो मैं बाल पै जन लग गया मुझे एक बार, वो बिल्कुल में पै जन लग गया, मतलब अगर नहीं जुड़ रही है तो कम से कम थोड़ी सी ज़्यादा लगा लो, पर बल नहीं पहने चाहिए ठीक है। और यहाँ से पकड़ लूँ ठीक है, ऐसे पकड़ के इस शीट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारी शीट पेस्ट हो चुकी है, अब हमारी ये पेस्ट हो गई है, अभी हम इसको 2 मिनट के लिए पेस्ट होने के लिए रख देंगे ताकि पेस्ट हो जाए। तो इसको थोड़ा सा तुम लगा के ऐसे जोड़ दो, जो वाली वाली है वो यहाँ पे लगा दो, अब जो यहाँ पे आली वाली लगी होती है ना उसको बस ठीक है। अब हम इसको 2 मिनट सूखने के लिए, वो ये अच्छी नहीं लग रही है कि इसके बाउंड्री में पता नहीं लग रहा है, तो आप इसके बाउंड्री में भी कर सकते हैं, मैं करके दिखा देती हूँ। आप अपना कोई भी कलर फेवरेट ले रहे हैं, मैं ये 2 कलर ले लिए, रेड और मैंने ये ले लिया ठीक है। हम इसकी बाउंड्री कर लेंगे एक स्टाइल में, पहले हम इससे करते हैं ठीक है, ओके एक मिनट ऐसे ऐसे कर देंगे, बस ऐसे ऐसे मैं आपको करके, आपकी मर्जी है कि आपने सिंगल बाउंड्री करनी है या डबल बाउंड्री, सिंगल तो ऐसी होगी, अगर डबल करनी है डबल नहीं, डबल बाउंड्री होती है ऐसे, इसके बीच अगर आपको कलर करना है तो कर सकते हैं, वैसे तो बिना कलर से ही अच्छी लगती है। अब आप ले लो ब्लैक पेन और मे बी ब्लू पेन ठीक है। अब जो ब्लैक और ब्लू पेन है इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब कि मतलब ब्लैक, पहले हम ब्लैक से हेडिंग लिखेंगे फिर ब्लू से बाकी का लिखेंगे ओके, तो जब हम लिख लेंगे तब हम आपको दिखाएंगे, फिर आप देख के लिख सकते हैं ठीक है। हम लिखेंगे फिर, पहले तो हम ऊपर लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पेन से लिखेंगे हम, जेल ले लो और बॉल ले लो जो मर्जी ले लो, रहने दे नंबर 3 ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, जिसको आप डबल लाइंस कर लो अगर आपका मन करे तो। अब हम इसको ये लाइन लिख लेनी है, लिख लो AIMM, ये 2 डॉट टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डीकंपोजिशन, कि हमने पढ़ना है द प्रोसेस के बारे में जो है सेडिमेंटेशन की और डीकंपोजिशन की ठीक है। एक बच्चे ने मुझे बनाकर सेंड की थी, मतलब कि जो उसने बनाई है वो भी इस टाइप की ही है, मतलब वो उसने प्रैक्टिकल नोटबुक पे बनाई है, हम दूसरे नोटबुक पे बना रहे हैं ठीक है। हम कि 1 2 यहाँ पे स्टार्ट करना है हमें, 2 3 4